Nine Tech Satya and press the bell icon for all latest videos notifications. नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो एक लाइव लाइन एप्लीकेशन पर होने वाली है, क्रिकेट लाइव लाइन एप्लीकेशन पर, जो कि आपको हर बॉल पर जो भी स्कोर बैट्समैन करता है वो बाकायदा बोल के बताएगा। दोस्तों, आज मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको लाइव डेमो देने वाला हूँ। तो अभी चल रहा है अबू धाबी T10 लीग और साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज, लेकिन वो मैच तो अभी ख़त्म हो चुका है। तो मैं अबू धाबी T10 लीग में से ही आपको प्रूफ करके बताऊंगा। दोस्तों, जो लोग क्रिकेट लाइन गुरु एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जो नहीं जानते वो आगे वीडियो में बने रहे। दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जल्दी से चलते हैं क्रिकेट लाइन गुरु एप्लीकेशन में और आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या है फीचर। तो ये एप्लीकेशन, मैं इस पर डबल टैप करके इसे ओपन करता हूँ। तो इसका पहला इंटरफेस है, तो इसमें ऑप्शंस हैं। पहले मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ। यहाँ मोर है पहला, मोर में रैंक देख सकते हैं, सेटिंग्स देख सकते हैं। तो मैं आपको मोर में दिखाता हूँ। ब्राउज़ सीरीज़ काम का नहीं, ये सब कुछ काम का। रैंकिंग प्लेयर्स की चेक कर सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, यहाँ यूट्यूब पे जा सकते हैं, इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे जा, इनकी इंस्टाग्राम पे आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इनकी इन्हें रेट कर सकते हैं, इन्हें फीडबैक दे सकते हैं कि डेवलपर्स को। सेटिंग्स, ये है लास्ट ऑप्शन। तो सेटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज है और नोटिफिकेशन है। तो मैं आपको एक बार सेटिंग में भी दिखा देता हूँ। सेटिंग में ऑडियो लैंग्वेज, तो यहाँ पे नॉटिक इंग्लिश है, तो यही दो लैंग्वेज हमें मिलती हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो मैंने अभी हिंदी के रखा है। उसके बाद तो मैंने अभी नोटिफिकेशन को ऑन ही रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसका वर्जन है 7.8। दोस्तों, इसमें इतना ही था। अब मैं तो यहाँ पर लाइव मैचेस दो चल रहे हैं, एक अबू धाबी T10 लीग और दूसरे मुझे पता नहीं। और ये फॉल्स फंक्शन किसी काम का नहीं है। मोर मैन में आपको दिखाई दिया। तो मैं ऐसे बैक आ जाता हूँ और तो यहाँ से आप सारे मैचेस देख पाएंगे जो लाइव चल रहे होंगे। तो यहाँ पर अबू धाबी T10 लीग थर्ड मैच, ये लाइव चल रहा है।
यानी कि 28 जनवरी को ये 10 बजे मैच स्टार्ट हुआ है, लाइव है ये। तो मैं आगे का ऑप्शन भी दिखाता हूँ इसके, इसे मैं आपको यहाँ से आप टॉप स्टोरीज चेक कर सकते हैं। Bash League 2020-21, 61 matches, December 3rd, February 6th, 2021, 1-4 in list. Abu Dhabi T10 League 2021, 29 matches, January 28th, February 6th, 2021, 29 मैचेस हैं अबू धाबी T10 लीग में, और बिग बैश में 61 मैचेस यानी 61 मैचेस हैं। तो इसमें इतना ही था दोस्तों। चलिए अब मैं सीधा आपको लाइव मैच की तरफ ले चलता हूं, जो कि है दिल्ली वर्सेस बांग्ला टाइगर्स, यानी कि बांग्ला टाइगर्स, माफ़ कीजिएगा अगर बोलने में मिस्टेक हो रही हो। तो तो हमें इस पर क्लिक करना होगा, और जैसे हमने इस पर क्लिक किया यहाँ में कुछ ऑप्शन लाइव लाइन सिलेक्ट होता है, इन्फो, यहाँ से आप सब मैच की जानकारी ले सकते हैं, चैट, यहाँ से आप जो यहाँ पे आप चैट भी कर सकते हैं पब्लिक से, जो लाइव चैटिंग कर रही होती है, पब्लिक चैट का ऑप्शन भी दिया है, कमेंट ये किसी काम का नहीं है, स्कोर कार्ड देख सकते हैं आपसे आप, ये अभी 2 रन लिए बैट्समैन ने, तो अभी हमने इसका स्पीकर ऑन नहीं किया है, स्पीकर 2 रन के बाद स्पीकर आ गया, स्पीकर के लेफ्ट साइड में ही जितने रन बैट्समैन ले उतने आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपने स्पीकर ऑन ना भी किया हो तो भी। तो दोस्तों मैं स्पीकर वाले बटन पे डबल टैप करता हूँ और ये ऑन हो गया। तो दोस्तों जब बॉल फेंकी जाएगी तो आप सुनिएगा ये क्या बोलता है, तो हम थोड़ा वेट करते हैं। तो अभी बॉल नहीं फेंकी जा रही, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो स्पीकर बटन है इसमें ऑन या ऑफ नहीं बताता दोस्तों, आप प्लीज कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि अगर आप इसे एक बार ऑन कर दें तो जब तक आप ओवरव्यू करके सारे ऐप्स क्लोज ना कर दें तब तक ये ऑन ही रहता है। तो ये मुझे पता था लेकिन ध्यान में नहीं रहा, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। तो मैं एक बार फिर इसी बटन पे डबल टैप, बॉल चालू, बॉल आप देखिए वाइड बॉल, तो ये देखिए वाइड बॉल जो कि बॉलर ने डाली, और यहाँ से उसके बाद आप लेफ्ट टू राइट स्वाइप करेंगे तो लाइव दिल्ली के 34 रन पर कोई विकेट नहीं है, 2.1 ओवर में बॉल चालू, बॉल 128/2, चौका चौका 4 रन। तो दोस्तों इस तरह से बैट्समैन ने वहां 4 रन मार दिए हैं। तो अब मैं आगे के ऑप्शंस आपको दिखाता हूं, डबल रन, 2 रन, माफ कीजिएगा, जैसे कि बैट्समैन ने अगर शॉट खेला तो ये प्रोडक्शन करता है, यानी कि टीवी से पहले ही, जब आप टीवी पे मैच देख रहे हैं उससे पहले ही आपको पता चल जाएगा क्या है, कौन क्या स्कोर किया बैट्समैन ने, 4-6-2-1। तो इसकी प्रोडक्शन कभी कभी गलत हो जाती है, तो इसलिए वो बाद में करेक्ट करता है। तो जैसे इसने अभी पहले चौका कहा था, फिर इसकी ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर इसकी प्रोडक्शन सही होती है, माफ़ कीजिए प्रोडक्शन बोल रहा था, प्रेडिक्शन होता है। इसके लिए मैं आपसे
माफी चाहूंगा। तो अब इसने कहा सिक्स, तो यानी कि सिक्स लगा दिया बैट्समैन ने वहां पर। तो आगे बंगाल ने, माफ कीजिए, बंगला टाइगर्स ने 128 रन बनाए 10 ओवर में, 10.0, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं। यहाँ रन नीडेड 87 रन चाहिए दिल्ली को जीतने के लिए। 45 बॉल पर 87 रन चाहिए, और यानी कि रिक्वायर रन रेट RRR शॉर्ट में बोलता है ये 11.6 के रिक्वायर रन रेट चाहिए। और जिस तरह से टीम खेल रही है उस तरह से बिल्कुल संभव है। आगे देखते हैं करंट रन रेट 17.25 के रन रेट से खेल रहे हैं। उसके बाद टारगेट कितने का है, 129 का टारगेट है। चालू बॉल, इनकी फेवरेट टीम जो पब्लिक जितनी सपोर्ट कर रही है, दिल्ली फेवरेट है अभी 42% फेवरेट, 43 डबल रन दो रन 43% अभी भी बांग्ला टाइगर्स 4, तो ये किसी काम का नहीं। 15, 7 ये सब किसी काम का नहीं है। यहाँ से आप बैट्समैन का भी वो चेक कर सकते हैं। बॉल चालू बॉल इवन लुइस 4 तीन गेंदों में 4 रन पर खेल गया, विकेट आउट हो गया। इस तरह से वहां विकेट भी गिर चुका है। तो ये है 41 15 गेंदों में। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप कहीं बाहर हैं और आपके पास हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन नहीं है या सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आप जहां भी हैं वहीं से लाइव मैच आप सुन सकते हैं एज ए ब्लाइंड पर्सन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।